हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग रिमोट सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे रिमोट सेफ्टी uh, के अंदर कौन कौन से फ़ीचर है और वो क्या काम करते हैं रिमोट सेफ्टी बेसिकली रिमोटली एक्सेस करने के लिए बना है रिमोटली एक्सेस मतलब आप आप यहाँ पे जो कमांड सेट कर रहे हैं जो यहाँ पे आप कमांड टाइप कर रहे हैं जो कमांड सेव कर रहे हैं वो कमांड किसी भी मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करके आप ये कमांड सारे ये जो फीचर है परफॉर्म कर सकते हैं और और जो यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे उसका फॉर्मेट जी अगर स्मॉल में है तो स्मॉल कैपिटल एज इट इज़ सेम होना चाहिए और वो आप टेक्स मैसेज किसी भी मोबाइल से इस मोबाइल नंबर पे आप टेक्स मैसेज करेंगे और ये सारे फीचर वक कर वर्क वर्क करेंगे इनमें सबसे पहला है स्मार्ट कैमरा स्मार्ट कैमरा फीचर परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कोई भी कमांड सेट करनी होगी कमांड आप कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पे एक यहाँ पे जो कमांड डाल रहे हैं वो कमांड रिपिटेटिव नहीं होनी चाहिए सारे कमांड डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए एक फीचर के कमांड दूसरे फीचर के कमांड से मैच नहीं होना चाहिए सारे फ़ीचर के कमांड अलग अलग होने चाहिए यहाँ पे जो आपने कमांड सेट किया है वन टू थ्री फोर थ्री फोर ये कमांड आप किसी भी अल्टरनेट मोबाइल से आप टेक्स्ट मैसेज इस पर करेंगे जैसे ही टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे इसमें जैसे ही टेक्स्ट मैसेज इस फ़ोन पे ये मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा उसी टाइम यह फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से फोटो खींच के आपके रजिस्टर्ड ई और मोबाइल नंबर पर सेंड कर देगा और सारे फ़ीचर परफॉर्म करने के लिए आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके इनेबल करना कंपलसरी है सेकंड साइलेंट वीडियो साइलेंट वीडियो के लिए भी सेम है यहाँ पे पहले आपको कोई भी एक कमांड सेट करनी है कमांड सेट करने के बाद फ़ीचर आपको इनेबल करना है फीचर इनेबल मतलब ऑन करना है आपको और यहाँ पे आप पासवर्ड देख भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं ये जो ये कमांड है आप किसी भी अल्टरनेट मोबाइल से भेजेंगे तो जैसे ही मैसेज इस मोबाइल में रिसीव होगा ये आपके डिवाइस में पाँच सेकेंड का वीडियो कैप्चर होगा फ्रंट कैमरा से आपके रजिस्टर्ड ई मेल मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा एंड इसके बाद स्मार्ट रिंग फ़ीचर है स्मार्ट रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे स्मॉल आर आई एन जी रिंग रहता है ये इसको आप चेंज भी कर सकते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए आपको इनेबल करना है फ़ीचर रीनेबल करने के बाद आपको किसी भी दूसरे मोबाइल से आपको रिंग स्मॉल में आर आई एन जी जैसे इस मैसेज में रिसीव होगा आपके डिवाइस में कंटिन्यूसली रिंग बजने लगेगा और रिंग बंद नहीं होगा अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन भी कर देंगे रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगा और यह कंटीन्यूसली बज बजता रहेगा जब तक आप यहाँ पे आके इसको डिसेबल नहीं करते हैं तब तक इसमें रिंग कंटीन्यूसली बजता रहेगा इसके बाद स्मार्ट जी है स्मार्ट जी में भी बाई डिफ़ॉल्ट कमांड जी रहता है इसको आप यहाँ से इनेबल करें और जैसे ही आप जी पी एस कमांड हाँ यहाँ पर जी पी एस कमांड ऑन करने के लिए आपको लोकेशन ऑन करना कंपलसरी है जैसे ही जी पी एस कमांड आप किसी भी अल्टरनेट मोबाइल से इस पर सेंड करेंगे आपके डिवाइस का करंट लोकेशन आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर देगा जिस मोबाइल से आप अपना कमांड भेजेंगे उस मोबाइल नंबर पे भी आपको मैसेज आ जाएगा लोकेशन और जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उसमें उस पर भी आपका लोकेशन आ जाता है स्मार्ट लॉक स्मार्ट लॉक फीचर ऑन करने के लिए यहाँ पे भी आपको सेम एक्स वाई जेड आप कुछ भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं सेट पासवर्ड करने के लिए आपको उसके बाद आपको फीचर ऑन करना है फीचर ऑन करने के बाद जो कमांड है आप किसी भी अल्टरनेट मोबाइल से भेजेंगे इस पर तो जैसे ही ये मैसेज रिसीव होगा ये फ़ीचर तब वर्क करता है जब आपके डिवाइस पे कोई भी पैटर्न या पासवर्ड नहीं है आज जैसे आपने अपने डिवाइस में स्वाइप अनलॉक रखा है बस स्वाइप करने से अनलॉक होता है पैटर्न या पासवर्ड नहीं है तो इस फीचर का यूज़ करके आप अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं लॉक इन देंस आप अपने फ़ोन पे यहाँ पे जो अपने पासवर्ड अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखा है तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्क्रीन पासवर्ड हो जाएगा और ये पासवर्ड आपको सेटिंग में जाके ही चेंज करना होगा जब तक इसको आप चेंज नहीं करेंगे बाई डिफ़ॉल्टे आपका स्क्रीन पासवर्ड रहेगा इरेस कॉन्टैक्ट इरेस कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पे भी सेम कमांड आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप करना है वन टू थ्री या फिर इरेस कॉन्टैक्ट करके फीचर ऑन करना है जैसे ही ये टैक्स मैसेज आप किसी भी दूसरे मोबाइल से इस पर सेंड करेंगे आपके डिवाइस के सारे कॉन्टेक्ट ये डिलीट कर देगा इरेज गैलरी के लिए भी सेम है आपके फीचर का जो आपके डिवाइस का जो भी गैलरी में जो फ़ोटोज़ इमेजेस रहेंगे वो डिलीट कर देगा और रिसर्ट फैक्ट्री में जो आप कमांड सेट करेंगे वो कमांड आपके फ़ोन को पूरी तरह रिसेट फैक्ट्री में फॉर्मेट कर देगा आपका फ़ोन मतलब आपका फ़ोन न्यू हैंडसेट रहता है वैसा हो जाएगा ये सारे रिमोट रिमोट सेफ्टी के फीचर है और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है जहाँ पे जाके आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सेव रहता है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर ईमेल मी माय पासवर्ड ब्रैकेट में कमांड्स इस फीचर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने कमांड सेट किया है यह आपको डायरेक्टली ईमेल पे चला जाएगा अगर इन फ्यूचर आप अभी अपने सारे कमांड भूल रहे हैं तो आपको ईमेल में जाके देख सकते हैं कि आपने किस फीचर के लिए कौन सा कमांड सेट किया हुआ है